إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين कुछ दिन पहले एक हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क बल्कि ममालिक तुर्की सीरिया शाम वगैरह में शदीद जलजला आया जिसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई और अभी तक आने वाली खबरों के मुताबिक 12,000 से ज़्यादा अफराद अल्लाह ताला के पास जा चुके बेशुमार हज़ारों इमारतें गिर चुकी और बहुत बड़ी तबाही का सामना इन ममालिक को करना पड़ा है। इन सारी बातों के बीच में एक और खबर हमारी नज़रों के सामने से गुजरी जिसमें किसी ने ये पेशन गोई की कि कुछ ही दिनों में बरे सगीर पाकिस्तान इंडिया वगैरह में भी बड़ा शदीद किस्म का जलजला आने वाला है। इस पेशन गोई का एक हिस्सा सही है और एक हिस्सा गलत है। जो हिस्सा गलत है वो ये है कि उस शख्स ने शायद 16, 17 या कोई 18 फरवरी की तारीख दी है, ये गलत है। लेकिन उस पेशन गोई का ये हिस्सा बिल्कुल ठीक है कि एक बहुत बड़ा जलजला आने वाला है जो तुर्की और शाम इस जलजले से भी कई गुना बड़ा होगा और ये हक है और ये सच है जिसका वादा अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरत हज की पहली आयत में भी फरमाया कि या अय्युहन नास तक़ू रब्बकुम इन ज़लज़लतस सा'ति शय्युन अज़ीम। ऐ लोगो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, यकीनन जो क़यामत वाले दिन का जलजला है वो बहुत बड़ा जलजला है और वो लाजमन आना है। और उस जलजले के बारे में अल्लाह ताला ने और इस आयत के आगे फरमाया यौम तज़हलु मुर्दियतन अम्मा अर्दत وَتَذَرُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ कि उस दिन दूध पिलाने वाली हर औरत दूध पिलाना छोड़ देगी, हर हामिला औरत अपने हमल को गिरा देगी और उस दिन लोग तुम्हें ऐसे नजर आएंगे जैसे नशे की हालत में है लेकिन वो नशे की हालत में नहीं होंगे और अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। तो ये जो जलजला है, जो क़यामत का जलजला है, ये हकीकी जलजला है, ये आने वाला है, ये लाजमन आएगा
और इसका सामना हर उस शख्स को करना पड़ेगा जो उस वक्त जिंदा होगा, और जो जिंदा नहीं होगा वो अपनी कब्रों से उठेगा और मैदान महशर की तरफ जाएगा, और अल्लाह ताला के दरबार में जब हशर का मैदान में अल्लाह ताला का दरबार कायम होगा तो वहाँ पे वो अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर अपने आमाल का हिसाब किताब देगा। उस जलजले की तैयारी करें, उस जलजले की फिक्र करें जिससे किसी को कोई बचत नहीं है, किसी के पास कोई बचने का रास्ता नहीं है। दुनिया में जब भी इस किस्म के जलजले आते हैं या इस किस्म की आफात आती हैं, जैसे अभी अल्लाह ताला रहम फरमाए पिछले साल हमारे मुल्क में जो तूफान और सैलाब आए या बदतरीन तबाही का हमें सामना करना पड़ा, उससे पहले भी दुनिया में कई जगह जलजले आते रहे हैं, तूफान आते रहे हैं, कहीं साइक्लोन आता है, कहीं हरिकेन आता है, कहीं स्टॉर्म आता है, कहीं अर्थक्वेक जलजला आता है। तो कई लोगों के जहन में ये सवाल उठता है कि आखिर अल्लाह ताला अपने बंदों पे जुल्म क्यों करते हैं, माज़ल्ला अल्लाह ताला अपने बंदों को इन आजमाइशों पर क्यों डालते हैं, माज़ल्ला अल्लाह ताला क्यों हमें नहीं बचा लेते, क्यों अल्लाह ताला ऐसे फैसले फरमाते हैं कि बच्चे, मासूम बच्चे, औरतें, बेगुनाह लोग ये भी ख़त्म हो जाते हैं, ये भी तबाह बर्बाद हो जाते हैं, इनकी भी ज़िंदगी जो है वो मजबूरी और परेशानी की हालत में गुजरती है। ये एक सवाल है जो बहुत पुराना नहीं है, यानी इस्लाम जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया, उसके बाद सहाबा कराम, उसके बाद सलफ सालेहीन गुजरे, तो उस ज़माने में ये सवाल इतना आम नहीं था और इतना ज़्यादा लोगों की ज़बान पर नहीं था जितना आज है। इसी वजह से हम देखते हैं कि जो अखलाकी बुराइयाँ हैं, अखलाकी जराइम हैं, उनके बारे में तो हमारी किताबों के अंदर, अहदीसी किताबों के अंदर, फिक्र की किताबों के अंदर आपको बहुत सारा मवाद मिलता है। और इससे मुराद ये है कि एक शख्स दूसरे को कत्ल कर दिया, किसी ने चोरी कर दी, किसी ने जिना कर दिया, किसी ने किसी को गाली दे दी, किसी ने जुल्म किया, इस बारे में हमें बड़ी तफसील से मवाद मिलता है, चीज़ें मिलती हैं। लेकिन इस किस्म के सवाल कि आखिर अल्लाह ताला ये अजाब या अल्लाह ताला ये आफतें क्यों भेजते हैं, अल्लाह ताला जलजले क्यों भेजते हैं, माज़ अल्लाह, और इस तरह की जो इस तरह के सवालात हैं जो अल्लाह ताला के कुदरत पर, अल्लाह ताला के फैसलों पर उठाए जाते हैं, इस बारे में आपको हल्की फुल्की तफसील तो मिलेगी, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जो आज के दौर में जो एथियज़म है, दहरियापन है, उसकी जो एक बहुत बड़ी वजह है वो ये है कि इंसान ने मुसब्बिबुल अज़बाब के बजाय अज़बाब पर भरोसा करना शुरू कर दिया, और मटीरियलिज्म, मादियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब इंसान के पास वो टेक्नोलॉजी आ गई है कि वो पलक झपकने में दुनिया में कहीं भी कुछ हो रहा है वो देख सकता है, उसको उसकी आवाज़ आ सकती है, वो लाइव वहाँ पे जो चाहे कह सकता है, कर सकता है, सबके पास हर चीज़ मौजूद है। तो हमारे पास मादी वसाइल इतने आगे हैं, इतने आगे हैं कि अब हम इन चीज़ों पे ऑब्जेक्शन करना शुरू हो गए हैं और चीज़ों के बारे में सवाल करना शुरू करना। उसूली बात तो ये है कि अल्लाह ताला अला कुल्ली शैइन कदीर हैं, अल्लाह ताला खालिक कायनात हैं, अल्लाह ताला अल हकीम हैं, अल्लाह ताला अल वदूद हैं, अल्लाह ताला अस्समद हैं। हम कौन होते हैं अल्लाह से सवाल करने वाले, हम कौन होते हैं अल्लाह ताला की हिकमत को समझने के लिए अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाने वाले, हमारी अक्ल की हैसियत है कि अल्लाह ताला की हिकमत के आगे। तो ये सवाल मुसलमानों में पहले नहीं था, इसीलिए आप देखते हैं कि इसके ऊपर इतनी बहसें भी नहीं कि हाँ कुछ कुछ हमें मवाद मिलता है। लेकिन जैसे जैसे ये एथियज्म, दहरियापन बढ़ता जा रहा है, इंसान का तवक्कुल मुसब्बिबुल अज़बाब के बजाय अज़बाब पर होने लगा है, तो अब उसके जहन में सवाल उठने लगे और तरफ ये बातें होने लगी। तो उलमा ने कुछ ऐसे नुकात जमा किए हैं और आपको कई किताबों में मुख्तलिफ मिलेंगे, कहीं 5 मिलेंगे, कहीं 8 मिलेंगे, कहीं 10 मिलेंगे, कहीं 4 मिलेंगे। मैंने भी उनमें से कुछ नुकात जमा किए हैं कि जब अल्लाह ताला इस किस्म की नागानी आफतें भेजते हैं, ये जलजले हैं, ये तूफान हैं, ये बारिशें हैं, इनकी क्या हिकमत है। तो सबसे पहली हिकमत जो उलमा ने लिखी वो ये कि अल्लाह ताला अल-क़वी है, अल्लाह ताला अस-समद है, अल्लाह ताला अला कुल्ली शैइन क़दीर है, अल्लाह जो चाहे वो करते हैं और अल्लाह को कोई रोक नहीं सकता। इससे हमें पता चलता है
कि अल्लाह कितने ताकतवर हैं और हमारी औकात कितनी है। अल्लाह ताला में एहसास दिलाते हैं, ये इंसान तुमने हवाओं में उड़ना सीख लिया, तुमने पानी के नीचे तैरना सीख लिया, तुमने ज़मीन में दौड़ना सीख लिया, तुमने बुलेट ट्रेन बना ली, तुमने मोबाइल फ़ोन बना लिए, तुमने सारी टेक्नोलॉजी बना ली, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे कुछ भी नहीं हो। और ये सारे हादसात, ये सारे अल्लाह के फैसले हमें आजी पर मजबूर करते हैं कि हम अल्लाह के आगे आजिज़ बन जाएं, हम तकब्बुर ना करें, हम अपनी औकात को, अपने हैसियत को, अपने मकाम को पहचाने। अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह सबसे कवी है, अल्लाह सबसे हकीम है, अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाले हैं। अल्लाह कुन कहते हैं और फयकून वो हो जाता है। आप सोचें कि इतनी बड़ी तबाही, किसी एक बिल्डिंग को तोड़ने के लिए, अगर किसी एक बिल्डिंग को तोड़ना हो तो कितनी मशीनरी चाहिए होती है, कितने लोग चाहिए होते हैं, कितना कुछ चाहिए होता है, वो भी बहरहाल अल्लाह का बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म हुआ और कितनी बड़ी पैमाने पर तबाही आ गई, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जिसको इंसान को बनाने में सालों लगे थे, पूरे पूरे शहर खत्म हो गए। अल्लाह ताकतवर है, इंसान कमज़ोर है। तो सबसे पहला जो हिकमत है इसके अंदर अल्लाह ताला की, वो ये है कि इंसान इस बात पर गौर व फिक्र करे और कभी तकब्बुर ना करे, बल्कि हमेशा अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने आजिज़ बनकर दिखाए, आजिज़ बनकर ज़िंदगी गुजारे। दूसरी हिकमत इस किस्म के हादसात के अंदर ये है कि जब इंसान के ऊपर कोई एक तकलीफ आती है तो इंसान के ऊपर से किसी दूसरी तकलीफ को हटा देती है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि कोई छोटी सी तकलीफ किसी बड़ी तकलीफ को हटाने का बाइस बन जाती है। हम सूरतुल कहफ जुम्मे के दिन तिलावत करते हैं, बड़ी अहम सूरत है, अगर इसको गौर व फिक्र भी करें तो इंसान को बहुत फ़ायदा मिलता है। और हर हफ्ते में एक दफ़ा इस सूरत को पढ़ने का शायद एक हिकमत ये भी है अल्लाह ताला की तरफ से कि इसके अंदर जो चार अहम वाक़यात हैं और बीच में शैतान का किस्सा है या शैतान का जिक्र है, वो इंसान को एहसास दिलाता है कि ये चारों चीज़ें, वो माल हो, वो इल्म हो, वो ईमान हो, वो कुदरत ताकत हो, वो सब फितना इंसान के लिए। इसी सूरत के अंदर जो मूसा खज़र अलैहिस्सलाम के वाक़यात हैं, जिसमें मूसा खज़र अलैहिस्सलाम के साथ चलते हैं और वो हादसात होते हैं कि वो खज़र अलैहिस्सलाम उस बच्चे को कत्ल कर देते हैं। अब किसी का बच्चा कत्ल हो जाना कितना बड़ा उसके लिए सदमा है, कितना बड़ा हादसा है। लेकिन जब खिज़र अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम को उस वाक़े की तावील बताते हैं, हकीकत बताते हैं, तो फिर पता चलता है कि अल्लाह ताला ने उस बच्चे को कत्ल करने का हुक्म इसलिए दिया क्योंकि उस बच्चे ने बड़े होकर अपने माँ बाप को अल्लाह ताला की नाफरमानी पर मजबूर कर देना था और अल्लाह ताला उसके वालदैन अल्लाह ताला की नाफरमानी की हालत में चले जाते दुनिया से। इसी तरह जब किश्ती में सुराख किया तो बज़ाहिर तो किसी वो किश्ती वाले जिन्होंने आप पे एहसान किया था, आपको अपनी किश्ती में बिठाया था, आपने उसी किश्ती में छेद कर दिया, उसी किश्ती को तबाह करने की कोशिश की। लेकिन पता ये चला कि अगर वो किश्ती में वो ऐब ना होता तो वो पूरी की पूरी किश्ती गसब कर ली जाती। और ऐसे कई वाक़यात हम सब अपनी ज़िंदगी में फेस करते हैं। कुछ चीज़ें हमें लगती हैं कि हमारे साथ गलत हो गया, जुल्म हो गया, परेशानी हो गई, तकलीफ़ आ गई, लेकिन कुछ सालों के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ वक्त के बाद पता चलता है कि नहीं, उसमें तो बेहतरी थी, जो अल्लाह ताला की तरफ से फैसला था उसमें तो हमारे लिए फ़ायदा था। शुक्र है हमने उस वक्त वो कदम नहीं उठाया, शुक्र है हमने उस वक्त वो काम कर लिया जो हम नहीं करना चाहते थे, मजबूर किया गया और हमने कर लिया। लेकिन बाद में पता चलता है कि उस छोटी तकलीफ़ ने हमें बड़ी तकलीफ़ से बचा लिया। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी रहमत भी बन जाती है। अब जाहिर सी बात है, जो बातें मैं आपको ये दो नुकात बताए और बताऊंगा, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सारे नुकात हर जगह मिन मान फिट होते हों। और उससे बड़ी बात ये है कि हमें समझ आए कि ना आए, मतलब अल्लाह ताला ने जिस वजह से ये फैसला किया कि तुर्की और शाम में ये जलजला आया और शिद्दत का जलजला आया और इतने लोगों इंतकाल हो जाए, इतना नुकसान हो जाए, हमें समझ आए कि ना इसकी हिकमत,
हम अल्लाह और रब्बुल इज्जत के फैसलों पे एतराज नहीं करेंगे, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुदाई को, उसकी बड़ाई को, उसके रब्बुल आलमीन होने को चैलेंज नहीं करेंगे। हम कहेंगे قدر الله ما شاء فعل, अल्लाह ने किया जो वो चाहते थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमें तकलीफ पहुंची, हमें सदमा पहुंचा, हमें रंज पहुंचा कि हमारे मुसलमान भाई, ये बेगुनाह बच्चे, ये सब चले गए दुनिया से। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लेकिन हम अल्लाह ताला की बड़ाई पे, उसकी किबरियाई पे, उसकी कुदरत पे, उसकी खुदाई पे कोई इतराज़ नहीं करेंगे, कोई ऐसा कलिमा अपनी जबान से नहीं निकालेंगे, क्योंकि अल्लाह अल हकीम है। हमें समझ आए कि ना आए, हम अल्लाह की हिकमत को चैलेंज नहीं कर सकते। तीसरी चीज ये कि जब भी इस किस्म के वाकयात होते हैं तो ये अल्लाह ताला की तरफ से सजा होती है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, मा असाबक मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, तुम पर कोई भी तकलीफ पहुंचती है, कोई परेशानी पहुंचती है, वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। इसलिए हम देखते हैं कि सलफ सोलहीन रहमहुल्ला जब उन पर कोई तकलीफ पहुंचती थी किसी फर्द के ऊपर, तो वो फौरन कहते थे हाँ मैंने कोई गुनाह किया होगा इसलिए मुझे तकलीफ पहुंची। एक सलफ सोलहीन में से किसी का वाकया, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, दुआओं की किताबों में मिलता है, एक दफा उनको एक बिच्छू ने काट दिया। उसे किसी ने पूछा बिच्छू ने काट दिया, कहने लगे हाँ कल शाम को मैं आऊज़ बि कलिमातिल्लाह तामाति मिन शरी मा खलक वाली दुआ पढ़ना भूल गया था। फौरन कोई तकलीफ कोई परेशानी आई, अल्लाह की तरफ नहीं अपनी तरफ देखा, मुझसे कोई गुनाह हुआ होगा, मुझसे कोई गलती हुई होगी, मैंने अल्लाह की नाफरमानी की होगी, मैंने अल्लाह को नाराज किया होगा, मेरे गुनाह इतने हो गए। जैसे इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने जब अपने उस्ताद वकी से ये शिकवा किया, जिसके सेहत के बारे में इख्तिलाफ है लेकिन पैगाम बिल्कुल ठीक है, कि जब उन्होंने अपने उस्ताद से कहा वकी से, शकाउ तो इला वकी अनसू इल हिफ्जी, कि मैंने शिकवा किया अपने उस्ताद वकी से कि मेरा हाफजा कमजोर हो रहा है, तो मेरे उस्ताद ने क्या किया, फअरशदनी इला तर्किल मआसी, उन्होंने मुझे हिदायत दी कि अपने गुनाहों को कम करो। इन्नल इल्म नूरुन, ये इल्म नूर है, व नूरुल्लाहि ला युतल आसी, और अल्लाह का नूर गुनहगारों को नहीं दिया जाता। अल्लाह हमें भी ऐसे उस्ताद दे दे जो हमें हमारे गुनाहों की तरफ तवज्जो दिलाए और उससे बचने की हमें तरगीब दे। तो हम अपनी तरफ देखेंगे, हम उधर नहीं देखेंगे। और फिर उलमा ने, कुछ उलमा ने इसमें कहा कि नहीं ये बात मुकम्मल से मालूम नहीं होती, इसके अंदर ये इजाफा करना चाहिए कि जब भी इस तरह की कोई तकलीफ मुसीबत आए तो हम ये कहें इज्तिमाइयत में कभी ये सही होगा कभी गलत होगा। भाई कोई कौम है, जैसे हम देखते हैं ना लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह का अजाब आया, नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह का अजाब आया, इन और जो कुरान करीम में हमें कौमों के वाकयात मिलते हैं, अल्लाह ने तबाह बर्बाद कर दिया, क्यों, उनके गुनाह ऐसे थे। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ कौमें ऐसी भी होती हैं इनमें कुछ लोग गुनाहगार होते हैं, कुछ लोग बेगुनाह होते हैं, कुछ लोग ईमान वाले होते हैं, कुछ लोग बगैर ईमान वाले होते हैं। तो लिहाजा हम ये कहेंगे कि जब भी कोई इस तरह की तकलीफ मुसीबत आए तो हम फौरन अपनी तरफ देखें, ये हमारे गुनाहों की वजह से। अच्छा, ये तकलीफ मुसीबत तुर्की में तो आई है जलजले की सूरत में, लेकिन जहरी बात है हम जिंदगी गुजार रहे हैं तो हमारे साथ भी रोज कुछ ना कुछ होता रहता है। कभी पाँव मुड़ जाता है, कभी गाड़ी लग जाती है, कभी कोई चीज़ घर की ख़राब हो जाती है, कभी कोई काम पूरा नहीं होता, कभी हम कहीं नाकाम हो जाते हैं, कभी हम कोशिश करते हैं हमारी कोई बात नहीं सुनता, तो ये हमारे साथ भी रोज़ हो रहा होता है। और जब इज्तिमाई तौर पे ऐसी कोई तकलीफ परेशानी आए तो वहाँ कौम अपना जो है वो मुहासबा करें। जैसे आज हमारी कौम पाकिस्तान के ऊपर हर तरफ से तकलीफ परेशानी, माशी एतबार से देखें, माशरती एतबार से देखें, इक्तिसादी एतबार से देखें, मजहबी एतबार से देखें, अखलाकी एतबार से देखें, ईमान के एतबार से देखें, तबाह बर्बाद हो गए। शायद इतना बुरा हाल कभी इस पाकिस्तान में नहीं आया होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, अल्लाह की इस आयत को याद करें, इन्नल्लाह ला यगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता यगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, अल्लाह ताला उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलते जब तक उस कौम के लोग अपनी हालत को खुद बदलने को तैयार नहीं होते। तो हम सब देखें तो सही आज हमारा हाल क्या है,
इस वक्त जुम्मे की नमाज में उस हॉल की दीवार तक लोग बैठे हुए, और कल सुबह फजर की नमाज में देख लीजिएगा, कल सुबह देखिएगा, 24 घंटे के अंदर देखिएगा, ये जितने हम सुन रहे हैं ना, हम यहां सारे आ जाएं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हम सबको पता है फजर की नमाज फर्ज है, फजर की नमाज सफर में भी माफ नहीं है, जुम्मे की नमाज सफर में माफ है, फिर जोर पढ़ लो, फजर की नमाज माफ नहीं है। लेकिन हम बदलने को तैयार नहीं है, हम अल्लाह से तौबा करने को तैयार नहीं, अपनी सुस्ती को, गफलत को, गुनाहों को छोड़ने पे तैयार नहीं है। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। फिर इसी नुक्ते से ताल्लुक करते हुए दूसरा चौथा पॉइंट, इस इन अजाबों को, इन आजमाइशों को, इन अल्लाह के फैसलों को सजा के बजाय कफारे के तौर पे देखें। अब वो लोग जहां जो वहां ईमान वाले थे, आज एक साहब की फोटो बार बार सोशल मीडिया पे आ रही थी तुर्की के, और फिर साथ ही एक और तस्वीर आ रही थी जिसमें किसी मलबे के नीचे से उनका हाथ इस हालत में था जैसे वो तस्बीह पढ़ रहे हों, क्योंकि तहज्जुद के वक्त ही जलजला आया। तो जो अल्लाह के नेक बंदे होंगे उठे होंगे, ततजाफ जनूब अनिल मौताज या दून और रब्बुम खौफ व तमा, उठे होंगे अल्लाह के लिए, जिक्र कर रहे होंगे अल्लाह के लिए, उनके हाथों में तस्बीह पढ़ रहे होंगे, और जलजला आ गया तो पूरी पूरी बिल्डिंग के गिर गई। अभी आदमी को पता ही नहीं चलता ये हुआ क्या है, हो क्या रहा है, इंसान सोच रहा होता है, और सेकेंड्स में सब मलिया पेट हो चुका होता है। तो अब एक ऐसा आदमी है जो अल्लाह का बरगजीदा बंदा है, तो अल्लाह बेहतर जानते, लेकिन हम अच्छा गुमान करते। तो हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी मोमिन को कोई गम, कोई हम, कोई रंज, कोई तकलीफ, कोई बीमारी, कोई कांटा भी अगर चुभता है तो अल्लाह ताला उसके बदले उसके गुनाहों को माफ कर देता। और जो आयत मैंने इससे पहले वाले नुक्ते में आपके सामने पढ़ी, वमा असाब में मुसीबत फबिमा कसबत अईदीकुम, उसके आगे अल्फाज ये वयाफ़ु अन कसीर, और बहुत सारे गुनाहों को तो हम माफ कर देते हैं। तो अगर किसी कौम के ऊपर कोई इस तरह का अजाब आता है, कोई इस तरह की आजमाइश आती है, कोई अल्लाह का फैसला आता है, उसके अंदर जो नेक लोग हैं वो उनके गुनाहों का कफारा बन जाता है। और हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह इज़ा अहब्ब क़ौमन, जब अल्लाह ताला किसी कौम से मोहब्बत करते हैं, पसंद करते हैं उसको, इब्तला उसको आजमाइशों में डाल देते हैं, फमन रज़िया फ़लहु रिदा, जो राजी हो गया अल्लाह के पास के लिए रजा है, अल्लाह उससे राजी हो गया, वमन सख़ता, और जो नाराज हो अल्लाह के, अल्लाह बाय मी, अल्लाह मैं क्यों, मेरे ऊपर क्यों, मेरे ऊपर क्यों तकलीफ दी, फ़लहु सख़्तू, तो उसके लिए अल्लाह की नाराजगी। और तीसरी चीज, पांचवा नुक्ता, कि याद रखें कि अगर कोई तकलीफ हमको पहुंचती है तो अल्लाह ताला उसके बदले हमें अजर देते। पहला ये था कि ये हमारी सजा है, दूसरा ये था हमारे गुनाहों का कफारा है, और तीसरा ये कि अल्लाह ताला इसके बदले हमें अजर देंगे, तकलीफ हम तक पहुंची है, हम अल्लाह से अजर की उम्मीद और सवाब का उम्मीद और इरादा रखें। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते इन नमा युवफ़स्वाबिरूना अजरहुम बगैर हिसाब, हम सबर करने वालों को अजर देंगे, और ऐसा अजर देंगे जो बगैर हिसाब के होगा, यानी अजर ही अजर होगा। और हम कुरान में सूरह फुरकान के आखिरी रुकू में पढ़ते हैं ना कि जब अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की सिफात गिनवाते हैं, जिसका आगाज इससे होता है कुआबाद और रहमानी यमशून अला रज़ी हाउना, और फिर आखिर में आखिर तक अल्लाह ताला उनकी सिफात गिनवाते हैं मुस्बत भी, कि वो क्या वो काम करते हैं, इन कामों से बचते हैं, आखिर में क्या है कि उनके लिए अल्लाह ताला गुरफे तैयार करेंगे जन्नत में, क्यों, उनके सबर के बदले, वयज़ाउनल्गुरफता बिमा सबरू, और उनके लिए अल्लाह ताला बदले में और नेकियों के बदले में जो जिंदगी में की दुनिया की, उनके लिए अल्लाह ताला जन्नत में महल तामीर करेंगे, गुरफे तामीर करेंगे, किस वजह से, क्योंकि वो सबर करते थे, नेकी के काम करने में भी सबर होता है, गुनाहों से बचने में भी सबर होता है, अल्लाह की इताअत में भी सबर होता है। तो जब ये मामलात होते हैं तो सबर होता है। एक और हिकमत जो इसके अंदर हम समझ सकते हैं वो ये कि इस तरह के वाकयात से
हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि अल्लाह ताला की हम पर कितनी नियमतें हैं। अगर आज हमारे घरों में ये आ जाता तो हम कहाँ होते, हम किस हाल में होते। सोचिए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज सुबह 7:09 या 10 पे सूरज तुलू हो रहा था, और 7:09 या 10 पे अल्लाह ना करे हमारे ऊपर जलजला आता और मैं और आप उस जलजले का शिकार होते, और मैं और आपने अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे फजर की नमाज ना पढ़ी होती, ख्वाब गफलत में होते, तो किस हाल में अल्लाह के पास जाते, किस हाल में अल्लाह को मुंह दिखाते। अल्लाह मैं फजर में नहीं उठा आज, अल्लाह मैंने अलार्म भी नहीं लगाया था, अल्लाह मैंने कोशिश भी नहीं की थी, अल्लाह मैंने इरादा भी नहीं किया था, किस हाल में अल्लाह से मिलेंगे। ये हो सकता है ना, ये हो सकता है ना, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हो सकता है ना। ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह ने कुरान में कहा है कि तुम बुरूज मुशय्यदा, तुम बुर्जों के अंदर जाके बैठ जाओ, मौत तुम्हें आके पकड़ लेगी। तुम कहीं भी होगे, युद्रकुमुल मौत तुम्हें मौत आके पा लेगी। जनरल ज़ियाउल्लाह साहब हवाओं में थे, मौत ने पा लिया। बेनजीर साहिबा रोड पर गाड़ी में थी, उनको गोली लग गई, इतनी बड़ी सिक्योरिटी। कोई अपने घरों के अंदर आराम से सो रहा था, अपने बीवी बच्चों के साथ जंजल आया, खत्म हो गया। कहां बच सकते हैं लोग। तो नेमतानी मखमूनुन फीहिमा कसीरुन मिनन नास, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के वो दो नेमतें जिसकी इंसान कदर नहीं करता, इंसान उसको जाया करता है, वो क्या, अस्सेहा वल फराग, अच्छी सेहत। उस अच्छी सेहत में अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह की इताअत करे, अल्लाह की फरमाबरदारी करे। वल फराग, और फरागत। आज इस फरागत के वक्त में हम टाइम जाया कर रहे हैं, फेसबुकिंग कर रहे होते हैं, ट्विटर पे जा रहे होते हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे होते हैं, टिकटॉक देख रहे होते हैं। ठीक है, आप देखना चाहते हैं, एक टाइम लगा लें, 15-20 मिनट 25 मिनट, दिन में एक वक्त है, देख लिया, फला देख लिया, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। ठीक है, इंसान बाखबर रहना चाहता रहे, लेकिन जिंदगी का ये मकसद नहीं है, ये जिंदगी का मकसद नहीं है। तो हम इन तरह के हादसात और वाकयात से हमें अल्लाह ताला की नेमतों का एहसास होता है। और फिर आखिरी नुक्ता जो मैं आपके सामने रख के अपनी बात खत्म करूंगा, वो ये है कि इस तरह के वाकयात बहुत सारे लोगों के लिए जन्नत में जाने का बाइस बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस फरमाते हैं कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने एक बंदे से कलाम फरमाएंगे, और अल्लाह ताला उससे कहेंगे, मेरे बंदे, मैं बीमार था, तू मेरी इयादत के लिए नहीं आया। बंदा कहेगा, अल्लाह आप रब्बुल आलमीन, आप कैसे बीमार हो सकते हैं? और अल्लाह ताला कहेंगे, मेरा एक बंदा बीमार था, तुम्हें मालूम था, और तुम इसकी इयादत के लिए नहीं गए। अल्लाह ताला कहेंगे, मैं भूखा था, मैंने तुम्हें इस्तेआज़ा दी थी कि तुम खाना खिला सकते हो, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। अल्लाह आपको कौन खाना खिलाएगा? अल्लाह आप रब्बुल आलमीन है। अल्लाह कहेंगे, मेरे कुछ बंदे भूखे थे, तो उनको खाना खिला सकते थे, तुमने उनको खाना नहीं खिलाया। अल्लाह ताला कहेंगे, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। और कहेगा, अल्लाह आप प्यासे, अल्लाह आप कैसे प्यासे हो सकते? अल्लाह कहेंगे, मेरे कुछ बंदे प्यासे थे, वो पानी पिला सकते, तुमने पानी नहीं पिलाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इरहम मन फिल अर्ज यरहम मन फिस समा, तुम जमीन वालों के ऊपर रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। यह हमारे लिए जन्नत पे जाने का जरिया। हम अपना माल उनके लिए खर्च कर सकते हैं, हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, हम उनके लिए लोगों को मुतवज्जे कर सकते हैं। यकीन कीजिए, कल रात को मुझे किसी जानने वाले का मैसेज आया, मैं हिल गया। उसने कहा, काशिफ भाई, उसे कुछ वीडियो भेजी, और उसने कहा, काशिफ भाई, ये कुछ गांव है सिंध के जहां मैं काम करता हूं, सैलाब के बाद से मैंने काम किया, और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 600 घर बनवा चुका हूँ, 600 घर। मैंने इसको जवाब में लिखा, भाई
मेरे को अल्फाज तो नहीं है लेकिन वल्लाह ही मुझे तुम पे रश्क आ रहा है। तुम कितने अजीम इंसान हो, तुम अपने घर से निकलते हो, 6-8 घंटे का सफ़र करते हो, तुम लोगों से माल जमा करते हो, तुम लोगों के लिए घर बनवा के देते हो, अपना घर छोड़ के, करोड़पति आदमी है, अपना घर छोड़ के, अपनी दुकान कारोबार छोड़ के तुम लोगों के लिए घर बनवाते हो। कहने लगा काशिफ भाई, मैंने नहीं बनाए, ये अल्लाह ने बनवाए, मैंने नहीं बनाए, ये अल्लाह ने बनवाए, ये अल्लाह ही कर सकते, हम नहीं कर सकते। मैं आपसे सिर्फ, मुझे कहने लगा, मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चले, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ आप वहाँ चलें, लोगों का हाल देखें और जिनको घर मिल गए हैं उनकी दुआओं को सुने, ये हमें सोने नहीं देती, ये फिर हिलाती हैं, फिर हमें लेकर चली जाती हैं। तो ये सारे हादसात वाकयात बहुत सारे लोगों के जन्नत में जाने का जरिया बन जाते, वो सदकात और ज़कात इस्तेमाल करने का जरिया बन जाते जिनसे अल्लाह ताला अपने बंदों को बख्श देते। अल्लाह ताला हमें भी ऐसा बनाते। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस किस्म के हादसात से, कुदरती आफात से महफूज फरमाए, हमें जब तक जिंदा रखा अल्लाह ताला हालत इस्लाम पे जिंदा रखे, जब हमारा खात्मा हालत ईमान पे हमारा खात्मा हो। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया अल मुरसलीन, अम्मा बाद। आज के सारे जुम्मे का जो खुलासा है वो ये कि जितने वाकयात हैं, हादसात हैं, यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फैसले हैं, उसकी हिकमत को अपने और उसके फैसलों को वही बेहतर जानता है। हमारा काम उसके फैसलों पे एतराज़ करना, उसके फैसलों के पीछे खोज लगाना और इन चीज़ों अपना वक्त ज़ाया करने के बजाय जो ये सारे मामलात हैं इनसे अपनी इबरत लेकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, मामा अमरु सा, और ये जो क़यामत का फैसला है ये टाइम नहीं लेगा, इल्ला कलम हिल बसर अहु अक्रब, आँखों के पलक झपकने के बराबर है या उससे भी करीब है। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाले। यानी मेरी मौत, आपकी मौत किसी लम्हे भी आ जाएगी, उसके लिए किसी जलजले की भी जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाले हैं। सवाल ये है कि मैं और आप तैयार हैं कि नहीं उस जलजले के लिए जो जलजला लाजमी है, जिसके आने में कोई शक नहीं है और जिसकी कैफियत और हालत अल्लाह ताला ने कुरान में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान फरमा दी। और सही बुखारी की रिवायत आपके सामने रख के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला तकुम उस्सा, क़यामत नहीं कायम होगी, हत्ता युक्बज़ल इल्म, यहाँ तक कि इल्म उठा लिया जाएगा, व तकसुर ज़लाज़िल, और ज़लज़लों की कसरत हो जाएगी, व तकारब ज़मान, और वक्त बहुत तेज़ी से गुजरने लगेगा, व तज़हर अल-फितन, और फितने ज़ाहिर होने लगेंगे, व यकसुर अल-हर्ज, और हरज बढ़ जाएगा, वह हुआ अल-क़त्ल, अल-क़त्ल, और ये हरज है कत्ल व गारत करी, और ये सब आम है, क़यामत बहुत करीब है। ये अलामत तकसर ज़लाज़िल अलामत है क़यामत की। अब सवाल ये है कि मैं और आप, जैसे वो शख्स आया ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आके उसने सवाल किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मत सा, क़यामत कब आएगी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ये नहीं बताया कि 16 या 17 फरवरी को जलजला आएगा, बल्कि आपने उससे कहा, मां आदत तलहा, ये बताओ उस दिन की तैयारी क्या की, तो उस दिन की तैयारी करें, वो जलजला यकीनी है, वो मौत यकीनी है, उससे किसी को फरार मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जब तक जिंदा रख हालत इस्लाम पे जिंदा रख, तो हमारा खात्मा हालत ईमान पे हमारा खात्मा। अल्लाह दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान तकारी परेशानियों को शिकार, अल्लाह उनकी मदद फरमा दे, अल्लाह उनकी तकलीफ़ों को दूर फरमा दे, अल्लाह उनके दुश्मनों को नीस व नाबूद फरमा दे, अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे, इसको इस्लाम का किला बना दे। अल्लाह जिस बदतरीन हालात से हम इस वक्त गुजर रहे हैं, अल्लाह अपनी कौम को मुत्तहिद होने, अपने गुनाहों से तौबा करने और हमारे हुक्मरानों को इस पाकिस्तान उम्मत के हक़ में बेहतर फैसले करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हमारे शहर कराची की हिफाजत फरमा दे, अल्लाह हमारे जान व माल इज़्ज़त की हिफाजत फरमा दे, अल्लाह जो मरहूमीन
آپ کے پاس جا چکے ہیں، حضرت ایمان میں اللہ کی مغفرت فرما دے۔ میرے خالہ صاحب بھائی، جس کے لیے شاید میں نے آخری جمعے میں آپ سے دعا کی درخواست بھی کی تھی، اس کا بھی انتقال ہو گیا پچھلے جمعے، جمعے کے وقت اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے، اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ صبر دے دے، اس کی بیوی کو اللہ تعالیٰ صبر دے دے اور اجر دے دے۔ اللہ تمام لوگ بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، اللہ تمام لوگوں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں نیک اولاد بنا دے اور نیک اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ، جس طرح اس وقت جمعے کی نماز کے لیے ذوق و شوق ہے، محبت ہے، ایک جو سجو، اللہ پانچ وقت کی نمازوں کے لیے ہماری یہی کیفیت پیدا فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں کبیرہ گناہوں سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمیں صغیرہ گناہوں سے بچا لے۔ اے اللہ، ہر قسم کی شرک و ریاکاری و بدعت سے بچا لے۔ اے اللہ، توحید پر قائم فرما دے۔ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت، ان کی سنتوں سے محبت اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری بہنیں بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں گھروں میں، اللہ ان کے لیے نیک سولے رشتے بھیج دے۔ اللہ، جو بیا چکے ہیں، اللہ ان کے گھروں کے اندر خوشیاں عطا فرما دے۔ اللہ، جو بے اولاد ہیں، ان کو نیک اولاد عطا فرما دے۔ اللہ، جن کو اولادیں دی ہیں، اللہ ان کی اولادوں کو نیک سولے بنا دے۔ اے اللہ، ہماری دعا کو قبول فرما لے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما لے۔ ان اللہ امر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔